चलिए अब आपको उत्तराखंड के गंगोत्री लेके चलते हैं, जहां जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लता जी हम सबके बीच में नहीं है, मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से उनको भाव विभोर होकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सब की ओर से और अपनी ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस दुख को सहने की ताकत मिले। लता जी सिर्फ कलाकार, महान कलाकार ही नहीं थी, लता जी संगीत की दुनिया में, दुनिया में उन्होंने अपना स्थान तो बनाया था, लेकिन इसके साथ साथ वो मर्म की प्रतीक थी, ममता की प्रतीक थी, मानवता की प्रतीक थी। इसलिए उनका व्यक्तित्व संगीत के साथ साथ एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। आज ऐसी महान आत्मा को हम सब लोगों के बीच में न रहना, यह हम सब के लिए, देश के लिए, देश शोकाकुल है। और मैं पुनः अपने आप को आप सबके साथ उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मित्रों, मैं आज यहां जब आया हूं तो मैं मानता हूं कि ईश्वर का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मैं देवभूमि में यमुनोत्री और गंगोत्री के उद्गम स्थान ऐसे उत्तराखंड में मुझे आने का सौभाग्य मिला और ऐसे पवित्र स्थान पर आने का सौभाग्य, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला, आपके दर्शन करने से पहले मैं मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और यह शक्ति स्थल, यह पूज्य स्थल, यह पवित्र स्थल जहां मुझे आने का मौका मिला है, मैं बारंबार इस पवित्र स्थान को नमन करता हूं। मित्रों, ये देवभूमि भी है और वीर भूमि भी है, और वीर भूमि की अगर मैं बात करूं तो फिर चाहे हमारे लाखों सैनिक जो देश के प्रहरी के रूप में खड़े हैं उनको भी मैं नमन करता हूं, और साथ ही साथ आजादी की लड़ाई के लिए लड़ने वाले चिंद्रिया लाल जी उत्तरकाशी के, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी जो भारत रत्न उत्तराखंड के पहले हुए, और हमारे कालू महाराज जी जिन्होंने क्रांति वीर ऐसा एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, इन सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद देता हूं। मित्रों, उत्तराखंड वीर भूमि रही है, महावीर चक्र, वीर चक्र इसकी श्रृंखला है जो यहाँ के वीरों ने देश की सेवा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अर्जित की। इसलिए ऐसी वीर भूमि को भी मैं नमन करता हूं और उनसे प्रेरणा लेता हूं जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए, आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व लगाया है और देश की रक्षा की है, ऐसे वीर नमनों को भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, आज मैं अभी हमारे सुरेश चौहान जी को सुन रहा था। वैसे राजनीति ने आप सब लोग माहौल का तो पता लगा लेते हैं, जब उनका नाम लिया गया और जो आपकी तालियां और सीटियां बजी उसने ये मुझे बता दिया है कि आपने भरपूर दोनों हाथों से उनको आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। यह हम लेकिन दो तीन बातों के बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए और राजनीति की बारीकियों को भी समझना चाहिए। यह सिर्फ सुरेश चौहान को विधानसभा में भेजने का या रावत जी को विधानसभा में भेजने का सिर्फ माध्यम नहीं है, सिर्फ रास्ता नहीं है, ये उत्तराखंड को अगले दशक की विकास की यात्रा में आगे ले जाने का रास्ता है, यह भी हमको ध्यान रखना। और भैया मेरे, आपकी बात सुन रहा हूं मैं मोदी जी ने ही भेजा है मुझे,
तो मैं ये कह रहा था कि राजनीति की बारीकियों को समझने की जरूरत है। सुरेश चौहान जी खड़े हुए, उन्होंने बताया कि मैंने ये किया, मैं ये करूंगा। उसी तरीके से रावत साहब आए थे तो उन्होंने कहा मैंने ये किया। स्वागत है भैया, बैठ जाओ, मेरा स्वागत हो गया है।